पानीपत के गांव निजामपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई विवाहिता की मौत के मामले में विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर साजिश करके हत्या करने का आरोप लगाया है। बता दें कि लड़की पक्ष ने ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि जहां परिजन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया है। जानकारी के अनुसार पानीपत के गांव निजामपुर में पति पत्नी पर चाकू से हमले की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया था। गंभीर हालत में दोनों को पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। वहीं लड़के की हालत को देखते हुए उसे PGI रेफर कर दिया गया। मामले की सूचना पाकर लड़की के परिजन सामान्य अस्पताल में पहुंचे और लड़के पक्ष पर आरोप लगाए कि उन्होंने षड्यंत्र के तहत लड़की की हत्या की है और लड़के ने खुद को भी घायल किया है। लड़की पक्ष ने पति सहित 4 के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लड़की पक्ष ने बताया कि इससे पहले भी कई बार पंचायत हो चुकी है, जहां पर लड़का माफी भी मांग चुका है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि लड़का पक्ष द्वारा 5 लाख और गाड़ी की मांग की जा रही थी। विवाहिता के परिजनों ने बताया कि ससुराल पक्ष ने हमें जानकारी दी कि कोई अज्ञात पति पत्नी पर हमला कर गया है। हम जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ससुराल पक्ष ने ही साजिश के तहत विवाहिता की हत्या की है। आपको बता दें कि मृत विवाहिता के परिजनों ने कहा है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वे शव को नहीं उठाएंगे। मेरी सिस्टर पूजा की चाचा की लड़की 19 सितंबर 2019 को शादी हुई थी इसकी, विकास के साथ निजामपुर गाँव। उसके बाद कुछ दिन के बाद ये चारों आदमी, विकास, उसका फादर और उसकी माँ सत्तो और उसका देवर, उसका भाई था जो रिंकू, ये लड़की को हमारे को दहेज के लिए 5 लाख रुपए और गाड़ी के लिए डिमांड करने लग गए थे। अगवेलिया कई बार गए भी, समझा के भी आए, लड़की ने बताई। फिर इसका लड़की का जो सगा भाई संजीत था, वो आकर के एक बार लड़की को अपने साथ ले गया। 3 महीने लड़की हमारे साथ रही। उसके बाद में 2 दिसंबर को गांव में पंचायत हुई। पंचायत में इन्होंने अपनी गलतियों को मान्या कि दोबारे में हम ना 5 लाख रुपए मांगेंगे, ना गाड़ी लेवेंगे, आज के बाद हम अपनी आपकी लड़की को परेशान नहीं करेंगे। उसके आश्वासन के बाद में हमने लड़की को ससुराल में भेज दिया था। उसके बाद में कल फिर 3 शाम को 7:40 पर हमारे पास गांव में फ़ोन आया चाचा के पास, आपकी लड़की को और लड़के को कौन जान व्यक्ति चोट मार करके चले गए, अब यहाँ आ जाओ हॉस्पिटल में। यहाँ आकर के हमें पता लग गया तो भाई इसने सारी जो ये मर्डर करके, सारे आदमियों ने मिलकर के मर्डर करके प्लानिंग के तहत उसके बाद ये स्टोरी रची है पुलिस को और सारे इसको धोखा देने के लिए। अब भाई ये कहानी रची जाए कैसे किए सर हत्या? इसने गला दबा करके, जो भी प्राइमरी फेसी लग रहा है हमारे को, बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा, मार करके बाद में चक्कू से थोड़ी इंजरी है, 2.5-3 सेंटीमीटर की इंजरी है जो बॉडी पे, और पूरी बॉडी पे इंजरी नहीं है, गर्दन की राइट लेफ्ट साइड। कब शादी हुई थी सर ये? 19 सितंबर 2019 को हुई थी इसकी शादी लड़की की। कहाँ पे की थी सर लड़का? चिड़ियाना गाँव में, निजामपुर का लड़का था विकास, जिसके साथ शादी करी थी। कितने साल की थी लड़की? 22-23 साल की थी। आप क्या लगते हो सर? मैं चाचा की लड़की थी। तो अभी क्या मांग रखते हैं सर आप? क्या जी, हमारी मांग ये है कि चारों खिलाफ हमने पर्चा दर्ज करवा, चारों को अरेस्ट करो, उसके बाद हम डेड बॉडी को उठाऊंगे इसको। क्या नाम है आपने? अनिल कुमार। दो बार मतलब कहा सुनी भी हुई है, दहेज पर दबाव था, फल 1 लाख रुपये पहुँचाए भी जिसे हमारा भी था, पर उनकी डिमांड ज़्यादा थी, गाड़ी बड़ी गाड़ी 14-15 लाख की, 5-7 लाख नकद उन्होंने चाहिए थे। दो बार उसके दादा और उसके काकार बाबू भी आए सारे, मैं लड़की या दादा हूँ, बच्चे मानने नहीं थे, लड़की भी नहीं मानने थी क्योंकि वो लड़की को ज़्यादा तंग करें थे। तो फिर भी मैंने कैसे सुन कहने दबाव डाल के परिवार में, क्योंकि बड्डा हो परिवार में, और वह लड़की गलवाई और वह रजाबंद राख कहने ऐसा नहीं, देखा गया लड़की थे कि हम तेरे साथ उसका मर्डर कर कहने, और आपने भी माड़ी ही खरोच परोच कर लेने हो, बहाना दिखाने के मारे ना को और कोई बदमाश मार गया तो अपना UKS बदलना थी, इन्हें सारे प्रोग्राम करें जी, और मतलब डील बढ़ती रही है पुलिस भी। किस पैसे को बोलता है आपको? किस चार वहाँ पर नाम लिखा दिया जी हमने, उसके लड़के पे, माँ पे और दोनों लड़के पर, ससुरे पे, इन्हें चार वहाँ परिवार की ही बड़े छोटे इस्लाम सारा काम। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं संतुष्ट हैं जी, अभी हम संतुष्ट नहीं है। क्या मांग? क्योंकि पुलिस ने 2 गिरफ्तार करे हैं, जब हमने 4 लिखा है तो 4 वहाँ गिरफ्तार करो, अगर जो मतलब इसको न्याय नहीं मिला तो फिर तो ये हम दे रहेंगे फिर अपराध, फिर तो और बढ़ते चले जाएंगे अपराध।
तो हम पुलिस से संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट जब होंगे हम, जब उनकी चारों की गिरफ्तारी हो जाएगी और उनका अच्छे से उनको सजा मिले। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते कि उन्हें फांसी आनी चाहिए। सबको ले जा रहे हो आप? हाँ, सबको अपने साथ ले जा रहे हो यहाँ से? हम डेड बॉडी, डेड बॉडी को, डेड बॉडी साथ में जब ले जाएंगे, जब पुलिस कार्रवाई चार बार गिरफ्तार कर लेंगे, डेड बॉडी साथ में जब ले जाएंगे, हम डेड बॉडी को लेके जाएंगे हम, पर जब लेके जाएंगे तब उनकी गिरफ्तारी चार बार होगी। क्या नाम है सर आपका? मास्टर ओम प्रकाश। ठीक है। विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, संदिग्ध परिस्थिति। हाँ, एक कंप्लेंट थी कि वो रात को घूमने निकले थे हस्बैंड वाइफ और उसकी वाइफ, दोनों को किसी ने चाकू से हमला कर दिया। तो उसमें उसके जो मृतका है लेडी, उसके घर वालों ने FIR करवाई है और अपने जो इसके ससुराल वाले थे, इसका हस्बैंड और इसके भाई वगैरह, उनके ऊपर शक जताया है। तो FIR दर्ज करके उसमें इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं और जल्दी इसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किसने ऐसा किया। कोई गिरफ्तारी हुई है सर अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई है, जल्दी कर लें। लेकिन थोड़ी दिन कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो शव नहीं उठाएंगे। देखिए, कार्रवाई तो हो ही रही है, FIR दर्ज हो गई है, तो इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा समय चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसने कह दिया वही फाइनल है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। दहेज की मांग के बारे में बता रहे थे। हाँ, वो प्रूव होगी तो वो भी उनके जो एलिगेशन है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी करके निपटा देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.